नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्लांट्स हाउस चैनल पर। देखिए गुड़हल में ये कैसे कैसे रोग लग गए हैं। इस बरसात के सीज़न में पौधों पर इस तरह के रोग लग जाते हैं, पेस्ट का अटैक हो जाता है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज इसका मैं उपचार घरेलू होममेड रेमेडी से करूँगी। ये हमारी खट्टी छाछ है, जिसको हमने मई महीने में बनाया था। 5 लीटर पानी में इसको मैं लगभग 5 ml के डाल करके पेड़ को पूरी तरह से अच्छे से धुल दूंगी, जिससे इसके सारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएं और पत्तियां हरी हरी हो जाएं। देखते हैं इसका क्या असर होता है हमारे पौधे पर। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसको हमने नहला दिया, और बाकी बचा हुआ ये हमने मीठी नीम में डाल दिया। और ये जो है ये छोटे छोटे गुलदाउदी के पौधे हैं, इन पर भी डाल रही हूँ। देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। अभी तो आज डाल रही हूँ, इसका अपडेट जो है मैं 8 दिन के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ये गेंदे का पौधा, इस पर भी डाल रही हूँ। ये गुलदाउदी है, इस पर भी डाल रही हूँ। ये देखो, हमने पूरे पौधे को उस पानी से नहला दिया है जिसमें हमने खट्टी छाछ मिलाई थी। अब सारे पौधों की पत्तियां अच्छी तरह से धुल गई हैं। हफ्ते में 3 बार इसका प्रयोग करूंगी, उसके बाद मैं देखती हूं कि रिज़ल्ट क्या आता है, तो फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। दोस्तों अब इसको बचाना है किसी न किसी तरीके से। ये देखिए, ये मेरा दूसरा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है, लेकिन इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी फ्रेश चमकदार हैं। इस पर भी मैंने कच्चे दूध और खट्टी दही का ही प्रयोग किया था, जिससे इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत और बिल्कुल चिकनी चमकदार हैं। दूध और दही का प्रयोग पौधों पर भी किया जाता है, जैसे हम इंसान लोग अपने लिए दूध दही का प्रयोग करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी पोषण देने के लिए दूध दही का प्रयोग करते हैं, जिनसे पत्तियों में चमक बहुत अच्छी बनी रहती है। खट्टे दही का प्रयोग करने से पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं, जिसको कोई रोग आसानी से नहीं पकड़ पाता है। अब मैं इसका अपडेट आपको समय समय पर देती रहूँगी। देखती हूँ खट्टी दही का क्या रिज़ल्ट आता है इस पौधे पर, क्योंकि इसकी पत्तियाँ सारी टूटी मुड़ी हैं, बिल्कुल मुड़ी हुई हैं। अब इस दही के प्रयोग से देखते हैं इसमें क्या रिस्पांस आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।